हमने हमारे प्रीवियस टॉपिक में फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में पढ़ा। अब हम अपने डिस्कशन को और मज़ीद आगे लेकर चलते हैं। हम ये टेबल रेफर करते हैं जो हमने प्रीवियस टॉपिक में भी किया, जिसमें हमने फिजिकल क्वांटिटीज, उनके एसआई यूनिट्स और सिंबल्स को देखा। अब हम उनके एग्जांपल्स जो हमने की थी उनको रिवाइज कर लेते हैं। सो मैंने एक पेन को एक पेन की लेंथ मेजर की थी, और उसके बाद एक बॉक्स का मास मेजर किया था, और फिर मैंने टाइम को मेजर किया था। तो ये सब थी हमारी फिजिकल क्वांटिटीज़ की एग्जांपल्स। अब हमें पता है कि पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर कंट्री है, तो दैट मींस कि हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं। अब फॉर एग्जांपल सपोज हमने राइस जो है एक्सपोर्ट करने हैं अमेरिका को, और हमारा बॉक्स जो हमने वेइंग बैलेंस पर रखा उसका जो वेट आ रहा है 1000 kg, और हमने वो शिप में डाल के एक्सपोर्ट कर दिया। और जब वो अमेरिका में जाता है उसका वेट आता है वेइंग बैलेंस पर 800 kg। अब कुछ तो गड़बड़ है। अब इन्हीं प्रॉब्लम्स की वजह से सिंगल कमेटी ने डिसाइड किया कि हम एक स्टैंडर्डाइज्ड सिस्टम बना लेते हैं, जो हमें मतलब जो पूरे वर्ल्ड में एक ही बेस यूनिट्स, मतलब बेस यूनिट्स की डेफिनेशन बताएगा एक ही पूरे वर्ल्ड में, और वो ऑर्गेनाइजेशन है एसआई सिस्टम, यानी एसआई सिस्टम इंटरनेशनल। सो अगर पाकिस्तान में एक सेकंड है तो चाइना में भी एक सेकंड होना चाहिए, और अमेरिका में भी एक सेकंड होना चाहिए। सो अब हम बात करते हैं बेस यूनिट्स की। व्हाट इज बेस यूनिट्स? जो भी हम फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ी वो सब बेस यूनिट्स है। अब फॉर एग्जांपल ये एक कार, और ये कार मूव कर रही है, और हर कार में एक स्पीडोमीटर होता है जिसकी नीडल जो है हमें कार की स्पीड बताती है। अब फॉर एग्जांपल क्योंकि हम कार की स्पीड जो है मेजर कर पा रहे हैं, दैट मींस कि वो एक फिज़िकल क्वांटिटी है। बट स्पीड जो है वो एक फिज़िकल क्वांटिटी है तो, लेकिन क्या वो एक बेस यूनिट है या डिराइव्ड यूनिट है? अब क्योंकि स्पीड को हम दो यूनिट से डिफाइन कर रहे हैं, यानी लेंथ और टाइम से डिफाइन कर रहे हैं जो एक बेस यूनिट्स हैं, तो इसका मतलब है स्पीड जो है वो एक डिराइव्ड यूनिट है। बेसिकली जिन यूनिट्स को हम किसी चीज़ से मतलब किसी और यूनिट से डिफाइन नहीं करते, वो खुद खुद को डिफाइन करते हैं, वो बेस यूनिट्स होते हैं। और दूसरी बात, जोन से यूनिट्स को दूसरे यूनिट्स की हेल्प लेनी पड़ती है खुद को डिफाइन करने के लिए, जैसे स्पीड को टाइम और लेंथ की हेल्प लेनी पड़ रही है, वो एक डिराइव्ड यूनिट है। अब और कौन से यूनिट्स डिराइव्ड यूनिट्स में आते हैं? जैसे स्पीड मैंने बताया कि हम उसमें बेस यूनिट्स की हेल्प ले रहे हैं लेंथ और टाइम की, एक्सेलरेशन इसी तरह, फोर्स और मोमेंटम एक्सेट्रा, बहुत सारे डिराइव्ड यूनिट्स अगेन जो हम बेस यूनिट्स की हेल्प से यूज़ करते हैं उन्हें डिराइव्ड यूनिट्स कहते हैं। अब एक और यूनिट्स हैं जिन्हें एसआई डिसाइड नहीं कर पाया कि उनको डिराइव्ड यूनिट्स में रखें या बेस यूनिट्स में रखें, इसलिए उन यूनिट्स को उन्होंने नाम दे दिया सप्लीमेंट्री यूनिट्स, जो हैं प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। अब हम देख लेते हैं कि प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल क्या होते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये एक आपकी बुक के अंदर से डायग्राम दी गई है प्लेन एंगल की, जो मतलब सर्कल के अंदर अगर एक लाइन होगी तो उसे हम रेडियस कहेंगे, और उस दो लाइन के दरमियान में जो एंगल होगा वो प्लेन एंगल होगा, और प्लेन एंगल का जो यूनिट है वो है रेडियन। और अब जो नेक्स्ट एग्जांपल है, अगर किसी स्फीयर के अंदर एक एंगल होगा तो उसे हम सॉलिड एंगल कहेंगे, और उसका यूनिट जो होगा वो होगा स्टीरेडियन। अब हम अपनी डिस्कशन को समराइज कर लेते हैं। हमने बेस यूनिट्स के बारे में पढ़ा, डिराइव्ड यूनिट्स के बारे में पढ़ा, और सप्लीमेंट्री यूनिट्स के बारे में पढ़ा। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। अब साइंस में कभी हमें बहुत बड़े फिगर्स के साथ डील करना पड़ता है और कभी बहुत छोटे, और इसीलिए उनके लिए हम पावर ऑफ 10 यूज़ करते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं माउंट एवरेस्ट का अगर मास काउंट करना चाहूँ तो मैं 1000 लिखते लिखते थक जाऊँगी। सो उसके लिए साइंटिस्ट क्या करते हैं, उन्होंने हमें प्रीफिक्सेस दिए हैं ताकि हम बड़ी वैल्यूज़ को छोटा करके लिख सकें। जैसे माउंट एवरेस्ट का जो मास है 1000 से आगे कितने ज़्यादा जीरो हैं, और एग्जा का मतलब होता है 18 zeros, तो हमने क्या किया है 1000 लिख के आगे एग्जा लिख दिए, तो इसका मतलब यही हुआ कि पूरा मास, ये पूरा आंसर यही है बट उसके आगे हमने प्रीफिक्स लगा दिया। तो साइंटिफिक नोटेशन में हम ये प्रीफिक्सेस यूज़ करते हैं।
एटो, फेमटो, पीको, नैनो, माइक्रो, मिली, सेंटी, डेसी, डेका, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पीटा, एक्सा, और साथ उनके सिंबल्स हैं और साथ उनके पावर ऑफ 10 फैक्टर्स। अब साइंटिफिक नोटेशन का मैंने आपको फॉर्मूला बताया कि डी इंटू 10 रेज टू पावर एन और यूनिट। सो हमारी बुक में जो हमें गिवन वैल्यू है वो है 134.7। अब क्योंकि साइंटिफिक नोटेशन में रूल है कि डेसिमल से पहले सिर्फ एक डिजिट होना चाहिए, तो अब हम क्या करेंगे, हमारे डेसिमल को जंप करवाएंगे लेफ्ट साइड पर, और कितनी प्लेसेस, 1 और 2। तो उसके लिए हम इसे क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और जो हमारा आंसर आया है 1.347 इंटू 10 रेज टू पावर 2। अब आप देख सकते हैं जो हमारी गिवन वैल्यू है वो लेस देन 1 है। अब दैट मीन्स के हमें जो है हमारे डेसिमल पॉइंट को राइट साइड पे जंप करवानी होगी, और वो कितनी प्लेसेस होगी, 1, 2, 3। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें इसको डिवाइड करेंगे 1000 से और हमारा आंसर क्या आएगा, 2.3 इंटू 10 रेज टू पावर -3, क्योंकि 1000 में 3 जीरोज होते हैं। सो अब हम एक टेबल देखते हैं जिसमें डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज लिखी हैं, उनके यूनिट्स, सिंबल्स, और उनको इन टर्म ऑफ बेस यूनिट्स हम कैसे लिखेंगे। सो पहला फिजिकल क्वांटिटी जो है वो है फोर्स, और उसका यूनिट जो है न्यूटन, और सिंबल जो है वो है एन, और इन टर्म ऑफ बेस यूनिट्स हम इन्हें कैसे लिखेंगे, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और अब नेक्स्ट देख लेते हैं वर्क, जिसका यूनिट जो है जाउल और सिंबल है जे, इसको इन टर्म ऑफ बेस यूनिट्स हम कैसे लिखेंगे, न्यूटन मीटर इज इक्वल्स टू किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। सो इनके बारे में हम फर्दर नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे और इनकी बाकी एग्जाम्पल्स भी आप देख सकते हैं। अब अगर मैं आपको इनके लिखने की कन्वेंशन बताऊं सिंबल्स और यूनिट्स की, तो ये होगी जो भी हमारे यूनिट्स हमें साइंटिस्ट के नेम पर दिए गए होते हैं, जब हम उन्हें पूरा लिखते हैं तो स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं, कैपिटल लेटर्स में नहीं लिखते। और इसी तरह जब हमें सिंबल्स जो हैं वो साइंटिस्ट के नेम पर दिए होते हैं वो हम हमेशा कैपिटल लेटर में लिखते हैं, स्मॉल लेटर में नहीं लिखते। जैसे न्यूटन जो हमारा सिंबल है, हमने उसको कैपिटल लेटर में लिखा है और उसे स्मॉल लेटर में नहीं लिख सकते। और इसी तरह अगर हमें दो यूनिट्स दिए गए हों तो उनको हम हमेशा कभी भी नहीं इकट्ठा नहीं लिखते, उनके अंदर स्पेस रखते हैं। जैसे न्यूटन मीटर इकट्ठा लिखा हुआ, ये गलत है, उनके अंदर स्पेस होगी न्यूटन और स्पेस मीटर। अब हम प्रीफिक्सेस की राइट कन्वेंशन देखते हैं इनको लिखने की। अब फॉर एग्जांपल हमें दिया गया है 1/1,000,000। सो इसको अगर मैं इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखूं तो वो ये होगी 1 × 10⁻⁶। तो अब मैं इसको प्रीफिक्स फॉर्म में कैसे लिखूंगी, अब आप देख सकते हैं कि हमें 6 जीरोज दिए गए हैं इसमें, तो 6 जीरोज की प्रीफिक्स क्या होती है, माइक्रो। तो मैं इसको कैसे लिखूंगी, 1 μm, और माइक्रो का सिंबल क्या होता है, म्यू, तो मैं लिखूंगी 1 μm। अब हम दूसरी एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें हमें 1/1,000,000 मीटर दिया गया है। अब हम इस तरह तो नहीं कर सकते कि इसे 1 μm लिख दें, वो तो गलत हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हम अपने देखते हैं कि हमें कितने जीरोस दिए गए हैं, हमें 12 जीरोस दिए गए हैं, और 12 जीरोस के लिए हम कौन सा प्रीफिक्स यूज़ करते हैं, पीको। तो हम इसे कैसे राइट वे में लिखेंगे, 1 picometer। अब देख सकते हैं कि पीको और मीटर में स्पेस है, जो कि गलत है, क्योंकि सिर्फ यूनिट अगर दो होंगे उनके अंदर स्पेस होगी। तो इसलिए क्योंकि पीको एक प्रीफिक्स है और मीटर जो है वो एक यूनिट है, तो इनमें स्पेस नहीं डालेंगे हम। इसको राइट वे जो लिखने का है वो 1 picometer विदाउट स्पेस। अब हमारी लास्ट कन्वेंशन जो है वो हम देखेंगे कि प्रीफिक्स के ऊपर जो पावर होती है उसे कन्वर्ट कैसे करते हैं। तो हमें जो गिवन एग्जांपल है 1 km² और हमने इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, 1 × 10⁻³, हम 3 का भी स्क्वायर ले लेंगे और मीटर स्क्वायर भी ले लेंगे। उसके बाद हमारा आंसर आया 1 × 10⁻⁶ m². तो ये है राइट तरीका प्रीफिक्स को कन्वर्ट करने का। अगर ये लेक्चर आप कम्प्लीटली देखना चाहते हैं और इसके साथ साथ बेशुमार MCQs, उनके आंसर्स और एक्सप्लेनेशंस भी हासिल करना चाहते हैं, एंड दैट ऑल फ्री, तो अभी गूगल प्ले स्टोर पर जाइए एंड लिखिए हिप्पो e-learning प्रोग्राम। हमारी ऐप डाउनलोड कीजिए, ना सिर्फ इसे खुद यूज़ कीजिए बल्कि अपने दोस्त एंड क्लास फेलोज़ को भी रेकमेंड कीजिए।